आज का हमारा प्लान है जो है हमारा जोधपुर का। जोधपुर का क्या प्लान है हम अभी सीक्रेट रख के बैठे, बाद में शेयर करेंगे। लेकिन आज एक बार हम फिर निकल चुके हैं बाड़मेर से जोधपुर के लिए। काफ़ी अच्छा एक मौसम देख सकते हैं, सुहाना मौसम, बारिश का चल रहा है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। आज हम लेके चले क्रेटा, तो आज क्रेटा के मज़े लेंगे फुल और आपको भी दिखाएंगे। और हमारे साथ है हमेशा की तरह रिक्शा, जिनके साथ हम सैर सपाटा करने के लिए निकले हैं। मैं एक बार आ सकते हैं आप, क्या शानदार मौसम है। और ये बाड़मेर की कुछ सड़कें इस तरह से टूटी फूटी, बारिश के मौसम में अक्सर और टूट जाती है, और जो मौसम है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम आ चुके हैं, गाड़ी में हमारा पेट्रोल फ्यूल ख़त्म हो चुका था, भरवाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये जो क्रेटा है ये एवरेज क्या देती है आप सोचोगे, तो ये एवरेज देती है 10। तो अब हम फ्यूल डलवा रहे हैं 3000 रुपये का, देखते हैं कितना आता है। 109 रुपये यहाँ का रेट है और 27.51 3000 रुपये का। यहाँ पे हमारी रिक्शा कैसे गिनते हैं, रिक्शा गाड़ी एवरेज क्या दे रही है इसको भरोसा है हमारे पे। तो अब ये आपको हम इसका मैं एवरेज दिखाता हूँ, आप देखना इसका एवरेज ये बता रहा है, अभी तो नहीं बता रहा। ये है, हम पहुंच चुके हैं अभी बागुंडी, बालोतरा से पहले है ये बागुंडी। यहाँ पे तो ये जो रास्ता है यही रिफाइनरी का वो रोड है जहाँ से हम रिफाइनरी जाते हैं। और ये जो सामने आपको चकाचौंध दिख रही है ये रिफाइनरी की चकाचौंध है। और अभी बारिश का, अभी हमें लगी है भूख इसलिए हम अपने रास्ता करने के लिए रुक रहे हैं। तो हमेशा की तरह पचपदरा का ये फेमस होटल और रिसोर्ट बोल सकते हैं, मां नागाना रहे, इस पर आ चुके हैं। गाड़ी को लगा दिया हमने यहाँ पे पार्किंग। पकौड़ा देना है, हो गया। तो यहाँ से ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक और चलते हैं आगे के लिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जोधपुर में, और बारिश की वजह से रोडें बन चुकी है सुपर हाईवे। आप देख सकते हैं धूल मिट्टी जो भी उड़ना है सब उड़ रहा है, और जो नहीं उड़ रहा है वो है गाड़ियों के चक्के यहाँ से नहीं उड़ पा रहे हैं, देख सकते हैं आप। हम जोधपुर पहुँच चुके हैं और चलते हैं सबसे पहले टाटा के शोरूम। तो हमने उसकी जो शोरूम की लोकेशन है वो डाल दी है, तो चलते हैं सबसे पहले वहाँ पे, वहाँ जाके देखते हैं कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, कितने दिन की वेटिंग है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, सारा डिस्कस करेंगे, उसके बाद करवाएंगे बुकिंग। तो एजियर के अलावा भी हमारा एक माहौल था जाने का किया की तरफ, लेकिन अभी वो भी हमने कैंसिल कर दिया। फाइनल हमारा फिक्स हो चुका है, टाटा हैरियर ही लेंगे। अब हमारा फाइनल करना है कलर और किस वेरिएंट में जाना है, तो ये चीज़ आज डिस्कस करेंगे, साथ में करेंगे टेस्ट ड्राइव, आपको भी दिखाएंगे क्या कुछ होता है हमारे साथ में। Your destination is on the left. फाइनली पहुंच चुके हैं टाटा के शोरूम पे, सामने हमारे है टाटा ऑटो प्राइम। तो आज हम चलते हैं यहाँ पे, टाटा हैरियर सफारी दोनों खड़ी, देखते हैं क्या कुछ होता है। सामने हमारे खड़ी है सफारी, अभी हम बैठे शोरूम में वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिनसे हमारा मीटिंग है, जो लोग हमें गाइड करेंगे आगे के लिए, उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो हमारे सामने खड़ी है ये टाटा की बेस मॉडल है डबल टोन कलर में, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, तो इसके बारे में हमें बताएंगे, और क्या टॉप मॉडल में और इसमें वेरिएशन है जो भी वो भी बताएंगे। आप तो बैक साइड सीट का जो सपोर्ट है उसके बारे में बता रहे हैं।
टोटल 11 स्पीकर मिले, 4 स्पीकर अपने JBL JBL एक सबवूफर और एक एम्पलीफायर, ये सब चीज़ें ना आपने सनरूफ नहीं है। हाँ, इनमें मतलब वो तो ऑटोमेटिक है, इन अगर ऊपर वालों आप XZ प्लस ले वहाँ तो उनमें आपने पूरा पैरानोमिक सनरूफ मिल जाएगा, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है ना, इनमें क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपने मिल जाएगा, ऊपर वालों में मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल, ये वो नीचे वाले में भी अपना सनरूफ चाहिए ना। तो चलो मैं भी अंदर बैठ के फील लेते हैं कैसा लग रहा है, क्या कुछ है। तो अंदर से कुछ ऐसा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका इंटीरियर भी काफ़ी शानदार प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर, बहुत मस्त लग रहा है अंदर से। तो ऑटोमेटिक है चीज़ें विकसे, वायरलेस चार्जर तो है ही नहीं अपने लिए सबसे बड़ी समस्या, को बाद में MI वाला चार्जर आता 1200 रुपये का, वायरलेस बन जाएगा। ठीक है सही में, चलो बूट स्पेस कितना ये भी देख लेते हैं, कितना स्पेस दिया हुआ पीछे। बूट स्पेस तो विक्सा बहुत है, टायर खोलने का सामान वैसे देखे नहीं थे, बढ़िया है क्योंकि अपने से खुलना नहीं है टायर। आपने मतलब कब तक उसको फाइनलाइज करनी है गाड़ी में? आज ही आज। सेम प्रोजेक्ट का हेडलैम्प्स वगैरह सेम एज इट इज, नहीं हैलोजन हेडलैम्प आएगा येलो कलर का, येलो कलर का सर, चेंज करानी पड़ेगा इसे किन में वीडियो। टाटा वाले कर रहे हमारी सेवा, पिला रहे हमें कॉफी और कॉफी का ले रहे हम आनंद। एरफ मोड भी जा टाटा में तो काफी टाइम हो रहा है, इनमें नहीं है, बाकी गाड़ियों में नहीं आ रही, बाकी गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स आ गए, इको स्पोर्ट्स और सिटी मोड। हाँ। तो फाइनली हमारे लिए एक हेजीर आ चुकी है जिसका हम करने जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव, और देखते हैं क्या कुछ टेस्ट ड्राइव में हमें पता चलता है। और टेस्ट ड्राइव लेने के लिए हम जा रहे हैं, हमारे साथ में चल रहे हैं ये रवि जी जो हमें टेस्ट ड्राइव दिलाएंगे इसका। तो फाइनली हम लेने जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव इंजन की, क्या नाम है आपने अपना नाम? मेरा रवि विष्णु जी हमारे साथ टेस्ट ड्राइव के लिए रिक्शा बैठ चुके हैं हमारे अंदर। अंदर बैठते ही सबसे पहले एसी का फीचर्स और म्यूजिक सिस्टम चेक किया जा रहा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस गाड़ी के लिए, तो वही चेक किया जा रहा है सबसे पहले यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव की जर्नी, अभी गाड़ी ले रहे हैं हम बैक। इस गाड़ी में क्या है कि ये थोड़ा यूज़ किया हुआ मॉडल था जिसकी वजह से सर्विस मांग रही थी इस गाड़ी को, थोड़ा उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये थोड़ी सर्विस मांग रही है, आप सिर्फ बैठ के स्पेस वगैरह देख लीजिए और बाकी सिस्टम वगैरह आपको समझ में आ जाएगा, जो ये गाड़ी थोड़ा क्या है सर्विस मांग रही है इस वजह से थोड़ा गाड़ी ये भारी चलेगी, यही इसमें दिक्कत थी, बाकी सब ओके था। अपनी गाड़ी सर्विस तो होनी चाहिए, ये वो बोलते फिर फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात होगी ना, बस स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्ट है, स्पीकर चेक करो। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका हमारा सफर और हम चेक करने जा रहे हैं पहले तो सनरूफ और उसके बाद में इसका म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ चेक किया जा रहा है। सनरूफ तो यहाँ पे हमें पसंद आ ही गया था, काफ़ी अच्छा पैनारोमिक सनरूफ था, काफ़ी अच्छा लगा इसके बैठ के इसके अंदर। तो हमें कैसा लगा कैसा नहीं लगा? बढ़िया, मजा आया। आप सेटिस्फाइड है? ओके। तो अब डील डन की जाए, डन वायरल कर दूं आपको इस पे जी। तो अभी आ चुकी है ब्लैक कलर की जेड ब्लैक हेरियर जो हमें लेनी है, ब्लैक कलर की हेरियर। तो चलो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे ब्लैक कलर की हेरियर लेंगे या नहीं।
लेकिन इस जो ब्लैक कलर की हेरियर में इंटीरियर में फुल ब्लैक है, यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि फिर ये बाहर और अंदर से फुल टू ब्लैक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है और क्या मूड बनता है यहाँ पे विक्रम सिंह का, यही आगे बताएगा मूड की ये ब्लैक कलर की तरफ जाएंगे या फिर डबल टोन में। ये ऑटो है, ये पूरा आपका ब्लैक का इंटीरियर अंदर का ये रहेगा। अच्छा, शिपिंग में मजा नहीं आ रहा ना ब्लैक में, मतलब अंदर का डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड का। तो हमारे बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पे जो बुक करवानी है गाड़ी वो करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमने डिसाइड किया ब्लैक नहीं लेंगे, डबल टोन में वाइट। चार है हमारे पास और चॉकलेट तीन है, कैसे? नहीं, पांच है इसमें। पांच है? हाँ, एक एक आपके लिए होगी। कब हमारी गाड़ी के कलर का नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा नहीं आता, समझ नहीं आता, कुछ तो आप भी का, ये तो आप लोगों ने बनवाया होगा। ये जो टिश्यू के दो पेपर मिले बॉक्स, टिश्यू पेपर के दो बॉक्स हमें दिए गए, इसको भी लेते हैं साथ में और करवाते हैं यहाँ पे फोटोशूट, उसके बाद चलते आगे। बुकिंग हो चुकी है, यही कलर हमारा बुक किया गया है, इसी को देखने के लिए हम ऊपर आ चुके हैं। एक बार फाइनली हम हमारी निगाहों से देख लेते हैं कि हमने ये गाड़ी बुक करवाई है, क्या कुछ इस गाड़ी में हमें मिलेगा और कलर से हम सेटिस्फाइड है या नहीं। फाइनल कलर हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे आगे के लिए। तो फाइनली हमने गाड़ी बुक करवा दी है, बुकिंग करवाने के बाद आ चुके हैं वापस गाड़ी में। अब हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि डिलीवरी कब ली जाए, नवरत्नों में ली जाए या गणेश चतुर्थी में ली जाए। तो अभी हम रिक्शा घर जाएंगे, भाभी जी से डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि डिलीवरी कब लेंगे। और उससे पहले जो हम ब्लैक कलर लेने वाले थे उसको छोड़ के आ चुके हैं डबल टोन वाइट एंड ब्लैक पे, क्योंकि ब्लैक अंदर से फुल ब्लैक था और गर्मी में बाड़मेर का जो टेम्परेचर 50 डिग्री होता है उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, यही कारण था रिक्शा या और कारण था? ब्लैक का रिक्शा बता रहे इंटीरियर फुल ब्लैक है, इस वजह से कोई मज़ा नहीं आ रहा, अंदर से आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी ब्लैक, इसी वजह से हमने ब्लैक नहीं ली। जो वाइट है उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, अंदर से सीट का और जो भी आगे का डैशबोर्ड सारा कुछ बहुत बेहतरीन लग्जरी फील आता था, इसलिए हमने लिया है वाइट एंड ब्लैक। अब चलते हैं हम और कहीं, अब रिक्शा बॉय ने कुछ खिलाएंगे तो देखते क्या खिलाते हैं। तो अभी हम किसी फ्रेंड के यहाँ आए थे, यहाँ से हमने खाना खा लिया है और अभी इन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक बहुत फेमस पान वाला है, तो आपको लेके चलते हैं पान खिलाने के लिए। तो अभी हमें लेके जा रहे हैं पान खिलाने के लिए, तो यहाँ पे ये जो पान वाली शॉप की तरफ चल रहे हैं, ये आया हमारा सावरिया पान, ये बता रही है कि बहुत फेमस पान वाला है ये सावरिया पान, जो कि आया हुआ अशोक उद्यान के पास में। आपको भी पता हो या आपने कभी पान खाया है तो आप भी बता सकते हैं या आप खाने जा सकते हैं। पान खाने के बाद हम चलेंगे यहाँ से कुछ आगे और खा पी के बाड़मेर की तरफ। तो फाइनली अभी हम कुछ लाए हैं खाने के लिए, जो कि इस प्रकार है, पनीर पकौड़े, पनीर टिक्का, पकोड़े नहीं टिक्का, पकोड़े अभी हमारे पैक है, बाद में खाएंगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ का बहुत फेमस है पनीर टिक्का जो हम खा रहे हैं, आपको बता देते हैं। ये है पनीर कुरकुरे पकोड़े, ये है पनीर पकोड़े, इडली चटनी की सड़कें। अब हम निकल चुके हैं बाड़मेर के लिए वापस, शाम का समय है, धीरे धीरे चरते चरते मतलब खाते खाते जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वापस पचपदरा और शाम का समय है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है रिफाइनरी का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने सारी लाइटिंग, ये
ये फाइनली कि ये सनसेट भी हो चुका है, इस तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं हमारे सामने रिफाइनरी की। और कुछ ही क्षणों में हमारे को रिफाइनरी का जो यहाँ से एक नंबर गेट है वो भी दिखेगा। यहाँ से जाते हैं रिफाइनरी के लिए, जो रोड जा रहा है रिफाइनरी का रोड है। इस साइड में बारिश की वजह से पानी भर चुका है, ये पानी इधर भी भरता है लेकिन अभी रिफाइनरी बन गई है तो भविष्य में कभी